अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार। मेरा नाम मोइन खान और आज एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हो गया हूँ एक ऐसा ही चमत्कारी उपाय लेकर जिसको करके किसी भी दो लोगों को हमेशा के लिए आप अलग कर सकते हैं, एक दूसरे से दूर कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, किसी भी दो लोगों को यदि आप अलग करना चाहते हैं, एक दूसरे से दूर करना चाहते हैं, एक दूसरे के खिलाफ करना चाहते हैं, तो एक उपाय है हड्डी जो होती है जानवर की हड्डी पर नाम लिखकर कैसे किसी भी दो लोगों को हमेशा के लिए एक दूसरे से जुदा करवा सकते हैं, एक दूसरे से अलग करवा सकते हैं, एक दूसरे के खिलाफ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कोई भी दो लोग हमेशा के लिए एक दूसरे से दूर हो जाए, अलग हो जाए, एक दूसरे के खिलाफ हो जाए, तो इतना सिंपल सा उपाय है, आप इसको एक बार कीजिए। कोई भी दो लोग हमेशा के लिए अलग हो जाएंगे, एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। कैसे करना है आपको? हड्डी पर आपको लिखना है नाम। जैसे उदाहरण के तौर पर ये जो है ये एक हड्डी है, तो हड्डी पर क्या है? नाम लिखना है जिसको दो लोगों को अलग करना है। हड्डी पर नाम, एक हड्डी लेनी है, किसी भी जानवर की हड्डी ले सकते हैं, जैसे पुरानी आपको मिली पड़ जाए कहीं पर या कहीं से भी, आप इसको कहीं भी मिल सकती है, आपको हड्डी कहीं भी मिल जाएगी, आपको कहीं किसी से भी आप ले सकते हो। तो एक हड्डी जानवर की ले लीजिए, किसी भी जानवर की हो, तो उस पर आपको लिखना है नाम। नाम है राधिका, राधिका, जिसको वश जिसको अलग करना है। एक का नाम राधिका है और दूसरे का नाम है कौशल, ऐसे कौशल और राधिका को अलग करना है एक दूसरे से। तो कौशल का नाम यहाँ और राधिका का पहले, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, तीन आपको इस तरीके से सर्कल बना लेने और इन सर्कल को आपको इस तरीके से, आपको इन सर्कल को, तीनों सर्कल को इस तरीके से करना है। और अब यहाँ पर आपको सत्तर में अक्षर तीन बार लिखना है, या 999 या नए अक्षर तीन बार लिखना है, और यहाँ 333 यहाँ आपको के अक्षर तीन बार लिखना है। जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने एक एक चीज़ बिल्कुल साफ साफ करके लिखी हुई है, तो आपको भी बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही लिखनी है। अब ऐसा लिखने के बाद इसको सिंपल सा उपाय क्या है इसका, इसको चलते हुए पानी में, जैसे नदी होती है बहता हुआ पानी होता है, उसमें बस ऐसा नाम लिखिए और घर से इसको जाइए, घर से बाहर जहाँ भी आपको नदी नाले चलता हुआ पानी मिले वहाँ इसको फेंक दीजिए। सिर्फ इतना काम करना है। ऐसा काम अगर आपने एक बार कर लिया तो हमेशा के लिए दो लोग एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, एक दूसरे अलग हो जाएंगे, एक दूसरे के खिलाफ हो जाएंगे। तो इतना सिंपल सा ये उपाय है, आसानी से कीजिए, फ़ायदा लीजिए। नमस्कार, अस्सलामु अलैकुम दोस्तों।